एंड मैं होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया के बारे में। अर्टिकेरिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसकी होम्योपैथिक में क्या क्या मेडिसिन हैं जिससे ये सही हो सकता है। तो इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो अब हम बात करते हैं अर्टिकेरिया के बारे में। इसको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, चक्करते बनना भी बोलते हैं, पीती उछलना बोलते हैं, दाफड़ बनना बोलते हैं, फिर हाइव्स भी बोलते हैं। ये कैसे होता है, कैसे पहचाने की अर्टिकेरिया है, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर पे खुजली होती है और फिर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, दाफड़ से हो जाते हैं, रेड रेड दाफड़ हो जाते हैं। ये दाफड़ रेड भी हो सकते हैं, स्किन कलर के भी हो सकते हैं। इनका ड्यूरेशन एक दो घंटे से लेके एक दो दिन तक चलता है, फिर अपने आप ये सबसाइड हो जाते हैं, फिर अपने आप फिर वापस हो जाते हैं। ये एक दो दिन के लिए गायब होते हैं, फिर वापस हो जाते हैं, ऐसे इनका प्रोसेस चलता रहता है। इनकी कोई फिक्स साइज़ नहीं होती, वेरिएबल साइज़ होती है। कई बार अर्टिकेरिया सब ऐसा भी होता है कि इसमें हम स्किन पे से लाइनिंग बनाते हैं और लाइन की लाइन बन जाती है, इसको भी हम इस दाफड़ अर्टिकेरिया की में ही काउंट करेंगे। अब इसकी ऐसा क्या होता है कि जिससे शरीर पे ये दाफड़ बनने लग जाते हैं, कई बार खाने की एलर्जी से भी ये सब हो सकता है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं, फिश खाते हैं, उनमें ये दाफड़ बनने लग जाते हैं। खाना खाने के बाद ये बनते हैं, फिर थोड़ी देर बाद में एक दो घंटे के टाइम के बाद ये अपने आप सब्साइड हो जाते हैं। कई बार एलोपैथिक दवाइयाँ लेने से भी अपने शरीर पर एलर्जी हो जाती है और उसके बाद ये बन जाते हैं दाफड़, फिर अपने आप सब्साइड हो जाते हैं। ये मौसमी भी होता है, किसी मौसम में ये ज़्यादा हो जाता है। बारिश के मौसम में मोस्टली पीपल आते हैं और बोलते हैं कि हमें ये सब दाफड़ वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो बारिश के मौसम में ये ज़्यादा होता है। एंड किसी भी मौसम में हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई ये किस टाइम पे होता है, किस टाइम पे नहीं होता। सर्दी में भी हो सकता है, गर्मी में भी हो सकता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है उसका। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, अपन कैसे पहचाने कि ये हमको ये होने वाला है, तो उसमें क्या होता है, बहुत खुजली होती है, ऐसे शरीर में चींटियाँ सी कटती रहती हैं, ऐसे लगता है कि चींटियाँ चल रही हैं, बहुत रेड हो जाता है पर्टिकुलर पार्ट जिस पे ये दाफड़ बनने वाले होते हैं, एकदम से रेड हो जाता है और फिर ये धीरे 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 दाफड़ बनने लग जाते हैं और फिर ये दाफड़ एक बड़ी सी साइज ले लेते हैं। छोटे छोटे भी दाफड़ हो सकते हैं या फिर खुजा लेने शरीर एकदम से गर्म हो जाता है और बहुत रेड हो जाता है, फिर अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। तो इसकी होम्योपैथिक में क्या क्या मेडिसिन हैं जिससे हम इसको सही कर सकते हैं, बहुत परेशानी आती है इसमें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेडिसिन वाला पार्ट। तो अगर बारिश के टाइम में आपको ये अर्टिकेरिया हो रहा है, दाफड़ बन रहे हैं, तो इसमें हम रस्टोक लेते हैं, रस्टोक 30 TDS, दिन में 3 बार लेने से 1-2 महीने आप रेगुलर रखिए, ये अपने आप सब्साइड हो जाएगा। या फिर मौसम में अगर नमी है, बहुत नमी वाला चिपचिपा सा मौसम है, उसमें अगर आपको ये हो रहा है तो आप नेट्रमलोर 30 ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं। पोटेंसी आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाके उनको कंसल्ट करके उनको दिखाइए और फिर डॉक्टर आपको पोटेंसी सेलेक्ट करेगा, उसी हिसाब से लीजिए, खुद से पोटेंसी सेलेक्ट मत कीजिए। एक अर्टिकेरिया में ये भी होता है कि भाई बहुत जैसे चीटी सी करती रहती है एंड बहुत गर्म हो जाता है शरीर, तो इसमें हम एपिस मेलिफिका का यूज़ करते हैं, एपिस मेलिफिका 30 TDS ले सकते हैं। और एक डलका मारा आती है डैम फेदर के लिए, अगर हम अर्टिकेरिया डैम फेदर हो रहे हैं, एकदम नमी वाला मौसम हो रहा है, उसमें हम डलका मारा 200 यूज़ कर सकते हैं। एंड एक हिस्टामिन मेडिसिन आती है, हिस्टामिन भी 200 की पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एंड एक अर्टिका यूरिन्स मदर टिंचर आता है, अर्टिका यूरिन्स मदर टिंचर आप 10-10 बूंद दिन में 2 बार ले सकते हैं एंड 1-2 महीने तक रेगुलर लीजिएगा, तो फिर आपका ये ट्रीटमेंट जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी।